उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी छोड़कर जिस नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, अगर बात की जाए इस बारे में, यकीनन आप सबको जानकर झटका तो लगा ही होगा। सीएम उम्मीदवार बनने वाले अजय कोठियाल, जिन्होंने अपना पाला बदलकर भाजपा में एंट्री कर ली। अजय कोठियाल जिन्हें आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरा बनाया, उत्तराखंड में जरूर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सभी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कर्नल अजय कोठियाल ने आपको इस्तीफा देकर कहीं न कहीं केजरीवाल को पड़ा झटका ही नहीं दिया। वो जो गुमान था केजरीवाल को खुद पर कि वो देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार कर पाएंगे, गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे चुनाव को लेकर खूब हुंकार बीजेपी के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ भरी थी। बीजेपी और बाकी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने गुजरात हिमाचल प्रदेश में जो हुंकार भरी थी, वो हुंकार नहीं सुन पाई जनता और उनके ही नेता ने बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बीजेपी ज्वाइन किया था। अब जहांगीरपुरी में हिंसे से लेकर शाहीन बाग में बुलडोजर अभियान से लेकर कुतुब मीनार को लेकर जिस तरह की खबरें आई, इससे आम आदमी पार्टी भी घिरी। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये तक आवाज उठाई गई। जब पीएम मोदी के साथ एक जूम मीटिंग के दौरान उनका बिहेवियर काफी खराब देखने को मिला, ऐसे में 150 समर्थकों ने भी अजय कोठियाल के साथ, उनके जो 150 समर्थक उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो ऐसे में कोठियाल ने गोंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मोदी अमित शाह की जोड़ी ने कमाल कर दिया। जी हां, अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो देश भर में चुनावी मैदान पर स्टार प्रचारक बनते हैं बीजेपी की, उन्होंने केजरीवाल भगवंत मान दोनों का घमंड तोड़ा है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी केजरीवाल का गुमान तोड़ा है, ये बताया जा रहा है। कोठियाल ने आगे कहा, प्रदेश के पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और शहीद युवाओं की भावना के चलते आपसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खूब भड़के भी नजर आए। जी हां, केजरीवाल पर भड़कते उन्होंने कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का सफाया होगा, इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। कर्नल कोठियाल के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सीएम धामी ने कहा, कर्नल के ज्वाइन करने से प्रदेश के पूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा, पूर्व सैनिकों समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार वचनबद्ध है। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, उत्तराखंड को लेकर इतना बड़ा झटका जब केजरीवाल को लगा है, तो इसका जवाब बहुत ही मुश्किल हो गया है देना। केजरीवाल उधर क्या कर रहे हैं, सब आने खबर आने के बाद सवाल तो ये भी होगा, इसका जवाब भी हम आपको देना चाहेंगे कि इस पर केजरीवाल का सफाई अभी तक सामने नहीं आ पाया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।